आखिर भूपेश बघेल की सरकार ने सिर्फ इन खदानों को देने के लिए लेमरू प्रोजेक्ट और तमोर पिंगला का जो एरिया है उसको कम किया, क्योंकि उसको कम करने से ही ये खदानें दी जा सकती थी और ये पेड़ काटे जा सकते थे। अगर भूपेश बघेल सरकार चाहती तो इसको रोक सकती थी, पर्यावरण की स्वीकृति रोक सकती थी। जब इनके बड़े भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सोनिया जी को पत्र लिखा और इनकी अम्मा सोनिया जी ने भूपेश जी को पत्र लिखा, उसके बाद छत्तीसगढ़ के हितों को तुरोहित करने के लिए तैयार हो गए। जो काम 3 सालों से रुका हुआ था, पिछले 3 महीनों में उसका परमिशन क्यों दे दिया गया? वो साल और सरई के सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े जंगल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि झाड़ लगाए जाएंगे 3 गुने, वो झाड़ 50 साल और 100 साल और 200 साल के झाड़ है। और सरई और साल के जंगल प्राकृतिक होते हैं, उनको लगाया नहीं जा सकता। क्या वैसा जंगल पुनर्निर्मित हो सकता है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बात का सर्वे किया कि अफॉरेस्ट्रेशन के बाद में जो जंगल लगाया जाना है, जो झाड़ लगाए जाने हैं, अभी तक जितनी खुदाई हुई है क्या उतने झाड़ लग गए हैं? अगर वो नहीं लगे हैं तो फिर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? आज छत्तीसगढ़ के हितों को तिरोहित करने का काम, छत्तीसगढ़ के हितों को बलि चढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और इसलिए भूपेश बघेल जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ सरकार की बिना अनुमति के पेड़ काटे जा सकते हैं? क्या खुदाई हो सकती है? छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? भूपेश बघेल जी की जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी है। आज वो छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना बंद करें। आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि इनके स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मैं खाऊंगा। अरे तो भैया मंत्री जी, गोली खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप में इतना ही दम है तो आप मंत्री पद से इस्तीफा देकर मैदान में आके लड़ो, उन वनवासियों का, आदिवासियों का नेतृत्व करो। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वहां पर चला गया और उनको अपनी जमीन खिसकती हुई लगी, तब वो वहां पर गए हैं। और हम तो ये भारतीय जनता पार्टी कि वहां पर पेड़ों की कटाई बंद की जाए। वहां पर अगर आपको छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर जंगलों की कम कटाई से, कम रहवासी क्षेत्र से, और जहां पर हाथियों का, हाथी और मानव द्वंद्व को कम से कम किया जा सकता है, ऐसे क्षेत्रों में हम ये नहीं कहते कि कोयले की आवश्यकता नहीं है, बिजली की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों आवश्यकता है। पर 55,000 मैट्रिक टन कोयले में से 5,000 मैट्रिक टन कोयले के लिए सिर्फ ये 3-4 खदानें दी गई हैं, तो क्या इनका क्षेत्र परिवर्तित करके और ये काम को नहीं किया जा सकता? आखिर क्यों इतने घने जंगलों के बीच के झाड़ों को काटने की अनुमति दी जा रही है, ये हम पूछना चाहते हैं।